आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर वो 17 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान राहुल दुर्गा पूजा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के इस दौरे को कई मायने में अहम माना जा रहा है। जहां एक तरफ वो सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को मजबूत करेंगे तो वहीं पार्टी की कलह को भी मिटाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या होगा ये भी तय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से नेता मंदिर मस्जिद के दौरे कर रहे हैं उससे साफ है कि इस बार चुनाव धर्म के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। धर्म की इस राजनीति में पीएम मोदी को पछाड़ने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो अपनी कमर कस ली है। शिव भक्त राम भक्त बनने के बाद अब राहुल दुर्गा की शरण में जाने वाले हैं। 17 अक्टूबर को राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। कहा जा रहा है कि वो दुर्गा पूजा में भी शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा ने राहुल गांधी के दौरे की पुष्टि करते हुए कहा कि राहुल अष्टमी के दिन यहां पहुंच रहे हैं। दुर्गा पूजा का यह मुख्य दिन होता है और हम पार्टी अध्यक्ष के इस दिन के दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि राहुल इस दिन बेलूर मठ जाएंगे। राहुल गांधी 2 साल बाद पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। उनका दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल जाना कई मायनों में अहम है। माना जा रहा है कि इससे वो सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलकर जहां मोदी सरकार के कार्ड करेंगे तो वहीं सूबे की जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश भी करेंगे। वैसे राहुल के इस दौरे की वजह कांग्रेस की कलह भी मानी जा रही है। दरअसल बंगाल कांग्रेस में इस वक्त अंदरूनी कलह चल रही है। कई नेताओं का कहना है कि महागठबंधन में ममता को शामिल नहीं किया जा सकता, तो कई नेताओं की राय अलग है। इस तकरार के बीच राहुल का ये दौरा कलह को मिटाकर पार्टी को मजबूती देने का काम करेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।